अरे बच्चों, आज हम सभी सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सभी वाक का दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वारी। इस वाक के अंतर्गत कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन यदि अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। प्यारे बच्चों, इस वाक के अंतर्गत खा खाकर कुछ पाएगा नहीं का आशय है कि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में पूरी तरह डूबा रहता है। वे जितना ही उनका उपयोग करता है उतना ही इस मोह माया के जाल में फंसता चला जाता है और उसे प्रभु भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। बंद द्वार की सांकल खुलने से तात्पर्य है, मनुष्य जब सांसारिक भोगों और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है तो उसकी चेतना का विकास होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी ज्ञान चक्षु खुल जाती है और मोह माया में फंसकर भक्ति से वह विरक्त नहीं रह पाता है। इस काव्यांश में इस वाक से कवित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को सांसारिक भागों में ना तो पूरी तरह डूबना चाहिए और ना ही पूर्णतः त्याग करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए ताकि वह प्रभु की भक्ति भी कर सके और सांसारिक जीवन को भी जी सके।